सो हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट में। हम आगे एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आज बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एक और रेजिडेंशियल सेक्टर जो कि 6% का सेक्टर है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो सेक्टर की मैं बात करने वाली हूँ, आज मैं फर्स्ट टाइम इसके बारे में डिस्कशन कर रही हूँ अपने चैनल पर। मेरे चैनल पर कई पहली वीडियो आपको इस लोकेशन की देखने को मिलेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं मुर्शदपुर की। मुर्शदपुर बिल्कुल ग्रेटर नोएडा 6% प्राधिकरण का प्लॉट है, लोकेशन है, और यहाँ पे 6% वाले सारे प्लॉट लगे हुए हैं। ये लोकेशन आप मान के चलिए ऐसी है कि बिल्कुल ग्रेटर नोएडा और यमुना इनके बीच की लोकेशन, एक तरह से बॉर्डर की लोकेशन आप कह सकते हैं। बिल्कुल बॉर्डर से बिल्कुल सीमा पे लगी हुई लोकेशन है ये, तो आप एक तरह से कह सकते हैं यमुना से भी लगी है और ग्रेटर नोएडा से भी लगी हुई लोकेशन है ये। मुर्शदपुर में आपको 6% के प्लॉट यहाँ पे आज के टाइम पे मिल जाएंगे। तो इनकी आपको मैं आज डिटेल कुछ बताने वाली, कुछ कनेक्टिविटी बताऊँगी, नियर किस पे फैसिलिटी क्या है वो भी बताऊँगी, और क्या रेट आपको मिल सकता है वो भी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो शॉर्ट है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बट इस शॉर्ट वीडियो में आपको एक नई लोकेशन के बारे में चीज़ें मालूम पड़ेंगी, एक नई लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं मुर्शदपुर की, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी की बात करें तो ये आप बिल्कुल मान के चलिए कि देखिए परी चौक से तो आपको वैसे 6 किलोमीटर के आसपास का इसका डिस्टेंस पड़ेगा, क्योंकि वो एक अलग रूट हो जाएगा इस लोकेशन से। उसके बाद अगर हम बात करें, आप अगर नोएडा से आते हैं या ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे लेके आते हैं, तो आप इसको नॉलेज पार्क 2 अंडरपास क्रॉस करके, या फिर वहाँ से अगर मैं आपको इसकी लोकेशन के बारे में बताऊँ, तो नॉलेज पार्क 2 का जो मेट्रो स्टेशन बिल्कुल अंडरपास के सामने पड़ता है, वो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा। यमुना एक्सप्रेस वे बिल्कुल इसके एडजॉइनिंग में आती है, बिल्कुल यमुना एक्सप्रेस वे के साथ साथ की लोकेशन है ये। इसके साथ ही साथ अगर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे की बात करें, तो वो भी आप 4 किलोमीटर में यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जो कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं जो मैंने डिस्टेंस बताया है, लगभग इसी के आसपास के डिस्टेंस आपको इस लोकेशन पे जाने के बाद देखने को मिलेगी। तो किस तरह की लोकेशन की कनेक्टिविटी है ये आप समझिए, कितनी प्राइम लोकेशन है ये और आने वाले समय का इसका फ्यूचर कितना होगा इसकी कनेक्टिविटी की वजह से। इसके बाद अगर हम इसके नियर की फैसिलिटी की बात करें, तो आप मान के चलिए इंस्टीट्यूशनल एरिया की बिल्कुल नियर में आता है, 1 किलोमीटर के आसपास के एक तरह से रेडियस में आप कह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंस्टीट्यूशनल एरिया आपको देखने को, जिसमें आपका गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, NIU नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल इसके पास में आती हैं, बिल्कुल नियर की 1 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस में आपको मिल जाएंगी। तो बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल से लगा हुआ एरिया है। आज आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ भी परचेजिंग कर सकते हैं, और साल दो साल में आप फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करा के एक बहुत अच्छा रेंटल, एक बहुत अच्छा PG का इनकम सोर्स बना सकते हैं। और या अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ले रहे हैं, तो आने वाले साल में जो लोग आपसे इसे परचेज करेंगे अपने यूज़ के लिए, अपने रेंटल पर्पस को फुलफिल करने के लिए, वो आपसे बहुत अच्छे और बहुत सही रेट पे उस टाइम पे खरीद सकते हैं। तो आज के टाइम पे जो चीज़ें आपको भी पता है जिस रेट में मिल जाएगी, वो आने वाले टाइम पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आप अगर परचेजिंग का प्लान कर रहे हैं, तो आपको सभी तरह के साइज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। मान के चलिए आप यहाँ पे 100 से 200 स्क्वायर मीटर के साइज़ की बात करें, तो लगभग 50,000 रुपये के आसपास के रेट में आपको यहाँ पे साइज़ आज के टाइम पे मिल जाएगा पर स्क्वायर मीटर का, 100 से 200 के बीच के अगर साइज़ की बात करें। और वहीं अगर बात करें 250 से आपका प्लस की साइज़ हो जाते हैं, 250 से 500 मीटर के बीच का, तो लगभग आपका 45,000 से 50,000 रुपए के आसपास का रेट है। अब इनमें जो मैंने रेट बताया, 2,000-5,000 ऊपर नीचे हो सकते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन, प्लॉट की कंडीशन। अच्छा, 500 मीटर से अगर आप बड़ा भी प्लॉट परचेज करना चाहें तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि अगर बड़ा साइज़ आप ले रहे हो, तो हो सकता है 45,000 से कम के रेट में भी मिल जाए, वो उसकी लोकेशन पे मैटर करता है। हो सकता है बड़ा प्लॉट है, कोई मेन लोकेशन पे आ रहा है, मेन रोड पे आ रहा है, तो फिर वो महंगा मिल सकता है आपको छोटे प्लॉट के रेट पे। तो ये बिल्कुल लोकेशन पे मैटर करता है। एक टेंटेटिव रेट हम आपको इसलिए बताते हैं कि आप आइडिया ले सकें यहाँ से कि किस हिसाब से क्या रेट यहाँ पे आज के टाइम पे चल रहा है, किस चीज़ मतलब अप्रॉक्सीमेटली क्या रेट है, एग्जैक्टली आप ये समझ सकें। तो ये हम आपको एक टेंटेटिव रेट हमने बता दिया। एक बहुत अच्छी लोकेशन है, फ्यूचर अच्छा है, प्राइम लोकेशन। आपने ये चुहड़पुर है, आपका घर भरा है, आपका मुर्शदपुर है, ये बिल्कुल एक लाइन से लगे हुए हैं। चुहड़पुर की ऑलरेडी मैंने कई बारी वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पे विजिट करके उसे देख सकते हैं। मुर्शदपुर की आज मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई है, आप इसे यहाँ से देख के सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आने वाले समय में और भी लोकेशन है जिन पे मैं वीडियो बनाऊंगी, जहाँ की मैं अपडेट आपको दूंगी। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।
क्वेश्चन होता है इस लोकेशन पे परचेजिंग के रिगार्डिंग या किसी और लोकेशन पे आप कुछ परचेजिंग का प्लान कर रहे हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करिए। आज के टाइम में आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हो, यमुना एक्सप्रेसवे पे, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, वो आपके लिए 100% बेटर इन्वेस्टमेंट साबित होने वाली आने वाले समय में। तो जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो थोड़ा और तेज़ करिए, अच्छा टाइम है, अभी इन्वेस्टमेंट करिए, और क्वेरी के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच।